हाय फ्रेंड्स, सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन नाम सुनते ही शिव जी की याद आ जाती है। तो शिव शंकर की कृपा पूरे सावन बरसने वाली है और बरसात का मौसम भी है। इन खुशियों की बारिश हम सब पर हो, इसके लिए आप क्या करोगे, कौन से मंत्र का जाप करोगे? कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक स्विच वर्ड और वो है शिवा मैजिक बिगिन नाउ। इसका चैंट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। पूरे सावन शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ करते रहना। कभी कभी सरेंडर की भावना से भी करना, सिर्फ विश को सोच करके मत करना, ओके? एक बार प्यार से, प्रेम से सरेंडर करके देखो, श्रद्धा को उस लेवल तक लेके जाओ जहाँ पे ईश्वर को खुद आपके पास आना ही पड़े, ओके? सो दिल में सिर्फ प्रेम भर के और शिवा मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करके देखना। शिवा मैजिक बिगिन नाउ बहुत से लोगों ने चैंट किया है और सक्सेस स्टोरीज भी लिखी हैं, ठीक है? अच्छा, सावन के महीने में मन वैसे भी बहुत प्रसन्न सा रहता है, हरियाली का महीना शुरू हो जाता है। हर तरफ आप देखोगे ना, हरी हरी घास, हरियाली, पक्षी चहचहाते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही खुशियों का टाइम है। मन में एक खुशी रहेगी, एक अलग सी खुशी। और अब तो त्यौहार शुरू होने वाले हैं, धीरे धीरे करके फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं, राइट? सो वैसे भी जब मन खुश है और सबकॉन्शियस माइंड खुश है, उसमें हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशंस हैं, तो सब तरफ से खुशियां ही अट्रैक्ट होंगी, राइट? सो कोशिश करना कि कुछ भी चल रहा है लाइफ में, लेकिन मन को मुझे खुश रखना है। मुझे बाहर की दुनिया को बहुत अंदर तक इफेक्ट नहीं होने देना है। आपकी सोच आपके लिए वैसा ही क्रिएट करती है जैसा आप सोच रहे हो, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। और शिवा मैजिक बिगिन नाउ चाहे चलते फिरते चांट कर लो, आप बैठ करके 108 की माला के साथ चांट कर लो। पीरियड में कर सकते हैं क्या? पीरियड में हाँ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई स्विचवर्ड अगर आप चांट कर रहे हो तो उसके लिए पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई प्रॉपर मंत्र होता है तो उसमें हम बता देते हैं किसको करना है किसको नहीं करना है। तो शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ। जब आप शंकर भगवान जी वैसे भी बहुत भोले हैं, ठीक है, और जब उनका नाम कोई बहुत श्रद्धा भाव से लेता है, प्यार से लेता है, तो वो उसकी हर मनोकामना वैसे भी पूर्ण कर देते हैं। तो ये सोच के मत करना, सरेंडर की भाव से करो। हमारे मन में क्या है या हमारी क्या ज़रूरत है वो सबको पता है, ठीक है? तो बस शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ, ये सुन लो। अगर आप घर में अपने चला के छोड़ सकते हो चांट, मैं ऑलरेडी है, आप चाहो तो उसे चला के छोड़ सकते हो। घर का भी माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, ठीक है? आप अगर रात को सो रहे हो, सोते समय भी सुन सकते हो। अगर आप खुद से चांट करना चाहते हो, खुद से चांट कर सकते हो, मतलब कैसे भी करो, पर आपके मन में, तन में, कान में, दिमाग में, हर जगह पूरे सावन जो चलना चाहिए वो शिवा मैजिक बिगिन नाउ, ओके? बस शिवा 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 एंड जस्ट। इसके बाद तो क्या, आप करते करते ही बीच में आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगे, बहुत खुद लाइट फील करोगे, आपका सोल, यू विल फील कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत हल्का लग रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है लाइफ में अभी, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स तो वो तो सारी ज़िंदगी का है खेल, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपका हमारा हील्ड रहना बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्लेस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लेसिंग का मंथ है, ओके? अच्छा, कुछ रिचुअल्स हमेशा चलते रहेंगे, गोल्डन मिनट है, उसमें अपनी विशेस बोलिए। एक चीज़ जो मैंने अभी जगन्नाथपुरी की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कहा भी था, ओके, कि अगर आप जब इस तरह के कोई दिन आते हैं, तो जैसे कोई प्रॉपर डेज आ रहे हैं, कुछ 9 दिन का टाइम है, 11 दिन का टाइम है, और कुछ स्पेशल डिवाइन पावर्स को डिवोटेड है वो टाइम, तो उस टाइम पे आप कोई अफर्मेशन जब बोलते हो ना, तो अपनी अफर्मेशन के आगे या तो आप उन डिवाइन पावर्स का नाम लो, ठीक है, लेकर के बोलो, तो बहुत मैजिकल सिद्ध होता है वो, ओके? और अगर ऐसा करोगे तो क्या होता है, एक तो वो टाइम ही है ब्लेस्ड, ऊपर से आप उन डिवाइन पावर्स का नाम ले रहे हो, वाइब्रेशंस और हाई हो गए, आपकी अफर्मेशंस की पावर है उनके साथ जुड़ गई, मैनिफेस्ट हो जाती है, हुई है, इसलिए बता रही हूँ, ओके? ये एक सक्सेस स्टोरी है इनकी, पता है इनके साथ क्या हुआ है? इन्होंने मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, इन्होंने जो मेरा 666 गोल्डन मिनट वाला किया था, उसमें इन्होंने अपनी अफर्मेशन बोली है, ओके? एंड इसके बाद फिर इन्होंने, इनके पार्टनर, बात तो करना छोड़ो, ब्लॉक किया हुआ था बिल्कुल ही, ओके? तो वो अनब्लॉक भी हो गए, बातें भी शुरू हो गई, फिर बीच में कुछ घिचपिच हुई होगी तो फिर से ब्लॉक कर दिया। फिर इन्होंने 111 टेक्निक किया, जिसमें मैंने पहले बोला हुआ है कि आप 111 लगा के अपनी अफर्मेशन बोलें, लास्ट में 111 से बंद करें,
ओके, तो वो अफर्मेशन आपको 11 टाइम्स लिखनी थी, 11 बजे मॉर्निंग में या 11 बजे आप रात में लिखोगे और 11 दिन के लिए लिखोगे, तो वो मैनिफेस्ट होगी. तो इनकी मैनिफेस्ट हुई है, उसी से हुई है. ओके एंड यस, इसके बाद क्या हुआ है इनके साथ, जो मिरेकल हुआ है वो ये कि इनके पार्टनर ने इनको अनब्लॉक भी किया, बातें भी की, वीडियो कॉल भी किया, और ये तो छोड़ो, सीधा सीधा अब ये बोला कि भाई शादी कब करनी है, फाइनल बता दो, बहुत हो गया. तो इन्होंने जो बोला है उनको, ये बोला है इन्होंने कि थोड़ा सा बताती हूँ. ओके, अनब्लॉक कर दिया और वीडियो कॉल करके मुझे मुझसे बात की और पूछा कि शादी कब करना है. तो यूनिवर्स को थैंक यू बोला. इसके बाद मैं बोली कि शादी नवंबर में करते हैं, बट वो कभी नहीं बोलते थे शादी के लिए. ओके, तो बट अब तैयार हो चुके हैं. एंड यस, पेरेंट्स अभी मानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी मान जाएंगे, इनको विश्वास है. ओके एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम. एंड यस, थैंक यू यूनिवर्स, पूरा ग्रैटिट्यूड दिया है इन्होंने. तो इनकी विश मैनिफेस्ट हुई है. दूसरी जो विश किसी और की मैनिफेस्ट हुई है, जो मैंने बोला था आपको, वो ये है कि इन्होंने अपनी अफर्मेशन 9 दिन, जब मैंने इनको बताया था तो इन्होंने अपना हर अफर्मेशन 9 दिन में, गोल्डन मिनट में भी जब बोला तब भी, सारे दिन भी जब भी इनको याद आया तब भी, जब ये अपनी अफर्मेशन बोल रहे थे तो उसके आगे जो लगाया था इन्होंने वो था जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी की जय और फिर अपना अफर्मेशन. ओके, तो मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप कोई भी अफर्मेशन भी दे रहे हो ना, तो उसके आगे आप जो उस टाइम पे देवी देवता का कुछ भी चल रहा है तो उनका नाम लेकर के आप उनकी जय बोल करके, उनको ग्रैटिट्यूड देके, उनको नमन करके आप अपनी अफर्मेशन बोलें, बहुत पावरफुल हो जाती है एंड फिर मैनिफेस्ट होती है. हुई है मैनिफेस्ट, इसलिए बता रही हूँ, प्रूफ है यहाँ पे. ओके, सो सपोज अभी सावन का ये महीना है, तो आप या तो ये कर सकते हो कि ओम नमः शिवाय और फिर अपना जो भी है, जो भी अफर्मेशन है आपकी विश के लिए वो कर सकते हो, या फिर सिंपल अगर रखना है तो शिवा शिवा एंड योर अफर्मेशन एंड अगेन लास्ट में शिवा, ये वर्ड ही बहुत है. या तो सोहम, सोहम जो मैंने वर्ड बताया था वो भी बहुत मैजिकल है, पहले सोहम बोलिए, क्योंकि सो में शिव एंड शक्ति दोनों हैं, शिव मीन्स शिवा एंड शक्ति इज पार्वती, राइट. तो दोनों की पावर्स हैं, माँ गौरी की एंड शंकर जी की का पावर दोनों का है इस वर्ड में. तो सोहम और अपनी विश एंड अगेन सोहम, सो इज ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं सो की आवाज़ आती है, जब ब्रीद आउट एक्सहेल करते हैं तो हम की आवाज़ आती है. तो हमारे सांसों पे केंद्रित है ये. ओके, सांसों से याद आया कि हमारा कंट्रोल दुनिया की किसी चीज़ पे नहीं है, कंट्रोल सिर्फ डिवाइन पावर्स का है, राइट, एंड डिवाइन एनर्जीज़ का है. तो इसीलिए ये जो सो हम है, आप सोच सकते हो हम अपनी ब्रेथ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आप चाहो कि अपनी ब्रेथ को आप घंटों होल्ड कर लो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. ओके, तो सांस पे जब कंट्रोल नहीं है तो किसी और चीज़ पे कैसे? तो इसलिए डिवाइन पावर्स को सरेंडर कर दो, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में है. ओके, हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखने में कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी नहीं होता, वो भी कई दफ़ा नेगेटिव थॉट आ ही जाती है, कोशिश करते हैं कंट्रोल कर लें लेकिन फिर भी आ जाती है. तो जब जिसके हाथ में कंट्रोल है उसी को सरेंडर कर देते हैं ना सब कुछ, वो अपने आप देख लेंगे हमारे लिए क्या बेस्ट है और हमें मिल भी जाएगा. ठीक है, सो यस, जब सोहम लगा के अगर अपनी अफर्मेशन बोल रहे हो तो थोड़ा सा ब्रीद इन, ब्रेथ पे फोकस रख के एंड फिर अपनी अफर्मेशन बोलिएगा, वो ज़्यादा मैजिकली सिद्ध होगा. एंड अभी क्योंकि शिवा मैजिक बिगिन नाउ है, तो शिवा मैजिक बिगिन नाउ चैंट करते 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 करते, और फिर भी आप बीच में भी अपना सोहम लगा के एंड अपनी अफर्मेशन बोल सकते हो. ओके, सो इस तरह से करके पूरे सावन आप करिए और हैप्पी रहिए. एक्सपेक्टेशन में मत रहिएगा कि अच्छा अब ये मैंने कर दिया तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, और क्यों नहीं होने वाला है, क्यों के चक्कर में मत पड़िए, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा. सरेंडर करके करो, आप बस सरेंडर करके करो एंड यस, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स रहेंगी, जो फीलिंग्स रहेंगी, वो ऑसम रहेंगी. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.